रुक करेंगे प्रदेश का। सीएम वसुंधरा राजे 3 दिवसीय श्रीगंगानगर दौरे पर हैं। सीएम के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। सीएम राजे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगी, इसी के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मीटिंग भी लेंगी। मीटिंग में सीएम राजे विकास कार्यों का फीडबैक ले सकती हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकती हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सूरतगढ़ से हमारे एवं संवाददाता हरनेक हमसे जुड़ चुके हैं। हरनेक, क्या कुछ अपडेट है सीएम के दौरे को लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल से श्री गंगानगर के 3 दिवसीय दौरे पे सूरतगढ़ पहुंची थी। सबसे पहले कल सूरतगढ़ के अंदर उन्होंने सबसे पहले बिश्नोई समाज सेवा समिति का एक जो धर्मशाला थी उसका पटा पिछले 40 साल से उलझन में पड़ा हुआ था, वो पटा उन्होंने बिश्नोई समाज को देकर पटा वितरण की, वहां से शुरुआत की। और उसके बाद वसुंधरा राजे सूरतगढ़ के पास अमरपुरा रठान गांव में पहुंची, जहां पे सारा दिन आम लोगों के जो जन संवाद कार्यक्रम रखा गया था उसके अधीन लगभग 7 समूहों के अंदर लगभग 3000 लोगों की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिकायतें सुनी और उनका मौके पे निस्तारण भी किया गया जी। इस दौरे के दौरान जो विकास कार्य किए गए हैं उसकी भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो जानकारी है वो हासिल की, और लोगों ने जिन्होंने सरकार की योजनाओं का फायदा उठाया वो लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने वहां पे वसुंधरा राजे को बताया कि जो सरकार की योजना है उसका हमें क्या फायदा मिला है। और राजस्थान में जो अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी उसकी अभी तक गंगानगर जिले में शुरुआत नहीं हुई थी, जिसकी सूरतगढ़ से शुरुआत वसुंधरा राजे ने कल अन्नपूर्णा रसोई की भी की है। जी हरनेक, यहाँ पर जनता का, क्षेत्रवासियों का क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कुछ फीडबैक है उनका? जी मैं आपको बता दूं कि गंगानगर जिले में इस वक्त आज की समय में भी जब सीएम वसुंधरा राजे गंगानगर पहुंची हुई है, इस वक्त भी गंगानगर में किसानों का एक बहुत बड़ा महापड़ाव अभी भी चल रहा है। हालांकि उस महापड़ाव को सरकार की तरफ से दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी वो महापड़ाव चल रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं लोगों में काफी समय के बाद, लगभग 2 साल बाद वसुंधरा राजे गंगानगर में आई है तो उसको लेके उत्साह भी है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक निराशा है कि किसानों को सीएम से मिलने का जो मौका नहीं दिया जा रहा, इस मामले में थोड़ी आमजन में निराशा भी नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरनेक खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हमारे अवन संवाददाता हरनेक हमसे जुड़े, जिन्होंने सीएम का सारा कार्यक्रम बताया और साथ में ये भी बताया कि जहां सीएम राजे काफी दिनों के बाद आज श्रीगंगानगर पहुंची हैं, दौरे पर पहुंची हैं 3 दिवसीय, वहीं पर किसानों का महापड़ाव भी चल रहा है और लगातार किसान यहां पर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से अपने प्रदेश की मुखिया से मिल सके और उनसे अपना दर्द, अपनी समस्याएं साझा कर सके।